करना होता नहीं करते हैं। आज तक किसी ने मठ के प्रति न्याय का परिचय नहीं दिया। मेरा काम है सत्य को प्रकाशित करना। किसी भी राजनीतिक दल का गुप्त या प्रकट व्यक्ति हुए बिना देश के हित में, विश्व के हित में शंकराचार्य के दायित्व का निर्वाह करना। हमारी बात को सुनकर कोई अमल करे न करे उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं और हम असमर्थ नहीं हैं, क्योंकि गुरुओं की परंपरा में भगवान की गद्दी है, हरिहर की गद्दी पर हम बैठे हुए हैं। हम लोगों में भगवान के द्वारा प्रदत्त वो क्षमता होती है। अगर कोई भी राजनीतिक दल, हम लोग जो कहते हैं सबके हित में, माने तो बहुत अच्छा, न माने तो देश को जैसा शासन देना चाहिए, बिना राजनीतिक दल का गुप्त या प्रकट प्रचारक हुए बिन हम ऐसा शासन दे सकते हैं। हम समर्थ हैं, असमर्थ नहीं हैं। हम अपने को समर्थ मानकर भाव व्यक्त करते हैं। राजनीतिक दलों के सामने या राजनेता के सामने कुछ मांगते नहीं, गिरगिराते नहीं। उनको हमारी मेधा शक्ति से लाभ उठाने की भावना हो तो अपने लिए, देश के लिए, विश्व के लिए लाभ उठा सकते हैं। मुझे और एक बात कही, सजेशन दिया आपने केंद्रीय मंत्री को, क्या सजेशन दिया, क्या कुछ दिया? गुरु जी एक जो बात बोली थी, जो नेता हो या मंत्री हो, कलंक मुक्त बीजेपी बनाना चाहिए। कलंक इन बीजेपी, जो नेता हो या मंत्री हो, बीजेपी को कलंक मुक्त करना चाहिए। कलंक मुक्त देश को या बीजेपी को, क्या करें? बीजेपी को जो बोले थे आप, जो भी नेता हो मंत्री, सबका लोलुपता दूरदर्शिता भारत में राजनीति का पर्याय बन चुकी है। सबका लोलुपता दूरदर्शिता से ऊपर उठकर राजनीति होनी चाहिए, तब देश के हित में राजनीति का प्रयोग होगा, हमारी यह भावना। और हर दल के प्रति में हमारा संदेश है, किसी एक दल के प्रति में जो बोलेगी ईद माता के ऊपर आपने क्या, जो ईद के टाइम में बिहार में जो क्या हो रही है, के लिए आपने क्या क्या टीच दिया? आपके पास प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र मंत्री सब आ रहे हैं, लेकिन वो हत्या को लेकर आपका अभिमुख वही बराबर है, लेकिन अब क्या अभी क्या टीच दिया आपने? हमने यह दिया कि गौ वंश की रक्षा राजनीतिक दल का दायित्व है, और हम जनते की तौर से कहना चाहते हैं, शिवाजी, कारुणा प्रताप जी, राजगुरु सुखदेव जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, झांसी की रानी, मंगल पांडे आदि महानुभावों के मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप था उसे क्रियान्वित करना राजनेता राजनीतिक दलों का दायित्व है। साथ ही साथ एक दिन पहले भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिली, विभाजन के बाद का स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए, इस तथ्य में जिनकी आस्था है वही राजनेता और राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत हैं। अन्यों के द्वारा भारत गिराया जा सकता, उठाया नहीं जा सकता। कुछ और एक अहम बात की है कि उत्तराखंड में आतंकवाद का जो वजह है उसके बारे में जो जानकारी दी है कैबिनेट मिनिस्टर को, तो आगे क्या करना चाहिए? अंदर और बाहर दोनों दृष्टियों से भारत को रक्षा के संबंध में सुदृढ़ रहना चाहिए। बाहर से जितना खतरा है, अंदर से उससे कम खतरा भारत को सुरक्षा की दृष्टि से नहीं है। हो गया?